हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ केमिस्ट्री के कमाल। आज हम बात करेंगे मैटर के बारे में जो हमारे चारों तरफ है। मैटर यानी वो सब कुछ जो हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं। और पता है क्या, ये तीन फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होते हैं? जिनका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होता है, जैसे पत्थर, लकड़ी या बर्फ। सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं और इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए हिलते डुलते नहीं है, इसीलिए सॉलिड्स भारी और घने होते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की। इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है पर शेप नहीं। पानी, दूध, पेट्रोल ये सब बहते हैं और जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले थोड़ा दूर दूर होते हैं और आराम से घूमते फिरते हैं, इसीलिए लिक्विड बहते हैं और सॉलिड से हल्के होते हैं। अब गैस की बारी। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना ही शेप। हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हमारे आसपास हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और तेजी से भागते दौड़ते रहते हैं, इसीलिए गैस हल्की होती है और किसी भी बर्तन को पूरा भर देती है। रुको, अभी और भी है। डिफ्यूजन के बारे में सुना है? ये वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा कंसेंट्रेशन वाली जगह से कम कंसेंट्रेशन वाली जगह पर फैल जाते हैं। जैसे रूम में परफ्यूम छिड़को तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, और गर्मी में ये और भी तेजी से होता है। अब देखते हैं कि मैटर अपना स्टेट कैसे बदलता है। ये सब टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है। सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को गर्म करो तो गैस, ठंडा करो तो गैस लिक्विड बन जाएगी और लिक्विड सॉलिड। आसान है ना? प्रेशर का भी रोल होता है, खासकर गैस के लिए। प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में बदल सकती है, जैसे नेचुरल गैस सिलेंडर में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर डालने पर ड्राई आइस बन जाती है। और पता है, मैटर के और भी स्टेट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पर इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो अगली बार जब पानी पियो या गुब्बारा फुलाओ तो याद रखना कि ये मैटर के अलग अलग स्टेट्स हैं। साइंस कमाल की चीज है ना? आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी केमिस्ट्री के लेसन्स के लिए। मिलते हैं अगली बार।